स्टार्ट करेंगे बच्चा एकदम 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 फ्रेश टॉपिक। बच्चा जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, जनरल मीटिंग हो रही है, पहले बताओ जनरल मीटिंग के लिए तुम लोग को मुझे बुलाना है तो क्या दूंगी? आपके घर पे नोटिस जाएगा, लेकिन क्या बस नोटिस जाएगा? अगर मीटिंग में पास करना है एसआर तो नोटिस के साथ जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब बच्चा बायबैक वाली बात के लिए तो एसआर पास करना है, मतलब मैंने आपको नोटिस के साथ साथ क्या दिया? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इन्होंने कहा कुछ नहीं चिल्लर बातें, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होगा, हम एक्सप्लेन करेंगे ना। क्या एक्सप्लेन करेंगे? बायबैक को लेकर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी, वेरी गुड बच्चा, ऑब्जेक्ट बताएंगे। ठीक है, साथ में नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा? फुल और कंप्लीट डिस्क्लोजर। किस क्या? मटेरियल फैक्ट। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बता दो। किस रिगार्ड में बच्चा? बायबैक के रिगार्ड में। ठीक है, चलिए क्यों बायबैक करना है? हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, बायबैक करने के सबके अपने अपने पर्पसेस होते हैं, यस और नो? टेक ओवर से बचना है या फिर सरप्लस पड़ा है, वेरी गुड, अर्निंग पर शेयर चेंज करना है, प्रमोटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना, तो ये सारे कोई भी रीजन हो सकते हैं। प्लीज बताओ क्यों आप बायबैक कर रहे हो, अपने शेयरहोल्डर्स को बताओ ताकि उन्हें भी जेन्युइन लगे तो वो भी वोट करें उस हिसाब से। क्लियर है? तो एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? कौन से शेयर बायबैक करने का प्लान है? इक्विटी, प्रेफरेंस, कौन से? हमने देखा था ना सेम काइंड नहीं, जो शेयर इशू किया उसी को कर सकते हो क्या? नहीं, स्पेसिफाई कर दो कौन सी क्लास ऑफ शेयर को करना चाह रहे हो, क्या परचेस करना चाह रहे हो, बस ये बता दो। अमाउंट टू बी इन्वेस्ट, इस बायबैक करने में पैसा कितना लगेगा? पैसा किसका है? मेंबर्स का ही है ना, उनको बताओगे कितना क्या पैसा लगेगा? भैया कंपनी के मालिक है वो, उनसे पूछने जा रहे हो तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। इस बायबैक में कंपनी को कितना पैसा लग जाएगा प्लीज ये भी एक बता दो एस्टिमेट लगाकर। नेक्स्ट क्या लिखा है? मैक्सिमम लोन ने आपको कितना टाइम दे रखा है? एक साल, लेकिन आप भी बता दो कि आप कितना टाइम लगाओगे। भैया 10 महीने भी हो जाए, 6 महीने में भी हो जाए आपका। ठीक है, तो प्लीज ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी है ताकि ये इंफॉर्मेशन समझकर वो मीटिंग में आए और डिसाइड करे कि उन्हें वोट ऑफ एडमिट ने देने हैं कि नहीं। क्लियर है? चलिए सेम बात है बच्चा, कंपनीज एक्ट। आपको एक एस्टिमेट बस करना है कि आप कब तक कंप्लीट करेंगे। एक साल तो मैक्सिमम है, मिनिमम तो कुछ है ही नहीं। आप पहले ही बता दो ताकि शोल्डर कल को चढ़ जाए। आपने तो कहा था 6 महीने में खत्म कर दोगे, आपने बताया था 6 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैक्सिमम है एक, एक से ज्यादा आप जा ही नहीं सकते, लेकिन उससे अगर कम टाइम लगते तो कम, लेकिन सेफर साइड कंपनी क्या कहेगी? एक साल, कि भैया हमें एक ही साल लगेगा ताकि कोई कुछ बोले ना। हाँ साक्षी, अब सीन समझो, पैसा देना नहीं पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया ना मैं कितने शेयर बायबैक करने का सोचू, 10% 20% कितने, मेरी मर्जी ना। ये कौन डिसाइड कर रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? कंपनी डिसाइड कर रही है, और कंपनी पूछ रही है हमें 20% करना है शेयरहोल्डर, हाँ बोल दोगे क्या? लेकिन 20% में कितना पैसा लग जाएगा पहले एस्टिमेट करके पूछोगे, बताओगे कि नहीं बताओगे कि शेयरहोल्डर हम 20% का प्लान कर रहे हैं, इसमें इतना पैसा लग जाएगा? फिर वो आएंगे, वो कहेंगे बड़ा महंगा लग रहा है, हम नहीं करने देंगे, मना कर देंगे। हम आपसे परमिशन लेने आ रहे हैं, लेकिन परमिशन से पहले पूरी इंफॉर्मेशन तो देंगे, क्या प्लान्स है आपके, प्लान हमारा 20 तक का है, कितना खर्चा आ जाएगा। पापा पूछते हैं, सीएस जब करने आ रहे थे तो पापा मम्मा ने पूछा कितना पैसा लग जाएगा, क्या है, कैसा है, तुम्हारे क्या प्लान्स है, सीएस करने के बाद क्या स्कोप। ठीक है, मना कर भी तो सकते थे कि नहीं करने देंगे तुम्हें सीएस, लेकिन पूरे प्लान बताओगे तो सेम ऐसा है। बायबैक क्या कैसे करो पूरी प्लानिंग रखो, उसके बाद उन्होंने ना बोले तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, आप बायबैक कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है बच्चा? कर सकते थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर अगर मैं कह रही हूं कि अगर थोड़ा थोड़ा, हाँ लेकिन मेरी बात सुनो, अगर अभी हमने इश्यू कर रखा है उसका पैसा रखा है तो सेम काइंड ना, हम तो कह रहे हैं हम फ्री रिजर्व से यूज कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तब तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? चल अब बच्चा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझ में आ गया, बढ़ू आगे। एक्स्ट्रा बातें हैं, एक्स्ट्रा बातें क्या हो गया अपू बारूश पक्का? नेक्स्ट, ओ हो है ना, नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, एडिशनल डिस्क्लोजर। बच्चा समझना,
इन्होंने कहा भैया कंपनीज एक्ट भी आ गया है, वो भी कह रहा है कंपनी को ना बहुत सारे डिस्क्लोजर देना होगा, इतने डिस्क्लोजर से बात चलने वाला नहीं है, काम चलने वाला नहीं है, आ जाओ और डिटेल डेट बताओ। सबसे पहले बाय बैक की बात किसके दिमाग में आई होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन्होंने कहा भैया मुझे बताओ ये बाय बैक का जो प्रपोजल रखा था बोर्ड मीटिंग में कब हुआ था, पूरी डिटेलिंग बताओ। फिर सेम है, बाय बैक क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है, सेम बातें, मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज 20 कर रहे हो, ठीक है 20 मैक्सिमम 25 है आपकी मर्जी, कंपनी ने बोला 30 कर रहा हूँ, 30 कर सकते हैं क्या? नहीं, 15 कर रहा हूँ, कर सकते हैं? हाँ, तो जो भी हो 25 से ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, क्योंकि कंपनी तो क्या चाहेगी, सबसे ले ले, बस प्रमोटर के पास रहे, जब जरूरत थी तो यूज कर लिया, अब जरूरत नहीं तो निकाल के फेंक दिया, ऐसा नहीं, बस 25% तक के लोगों को फेंका जा सकता है, ठीक। चलिए बच्चा परसेंटेज सेम वही लिखा है, टोटल पेड ऑफ रिजर्व रिपीट है, मैक्सिमम प्राइस बच्चा मैक्सिमम प्राइस भी बता दो बायबैक की, ठीक है मैक्सिमम प्राइस क्या, वही बुक बिल्डिंग 120। नेक्स्ट, हाँ बच्चा, होगी होगी, तो अगर हमने बोर्ड मीटिंग को डिसाइड कर लिया 10% से कम में, देखो एकदम प्रैक्टिकली जाते है ना, थ्योरेटिकल को एकदम साइड रखो, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक डायरेक्टर हूँ, तुम लोग भी हो, मेरे मन में बस एक ऐसी बात आई, मेरे मन में एक ऐसी बात आई कि यार बाय बाय करने का सोचते हो, तो तुम लोगों ने कहा कि हाँ हाँ दीदी करते करते करते, इसी मीटिंग में डिसाइड हो गया, क्या डिसाइड हो गया, चलो 10% तक का करते, या फिर तुम लोगों ने कहा कि दीदी थोड़ा सा टाइम दो, आपने अभी ये बात रखी है, हम नेक्स्ट हफ्ते फिर से एक मीटिंग बैठा देते। बच्चा तो प्रैक्टिकली तो कुछ भी पॉसिबल है, सबकी सहमति आज ही आ गई, बोर्ड रेजोल्यूशन में कितने वोट चाहिए मुझे, 51%, अगर 51% आज ही आ गया, सबने बोल दिया कि चलो आज ही डिस्कस करते, पहले तो ये बात कि आज ही डिस्कस करे कि नहीं करे, तुम लोगों को दीदी टाइम दे दो, तो नेक्स्ट हफ्ते फिर से मीटिंग होगी, तुम लोगों ने बोला दीदी चलो कर लो, बोर्ड मीटिंग थोड़ा सा कंपैरिजन टू जनरल मीटिंग इनफॉर्मल होता है, वहां पे बोर्ड डायरेक्टर की ही मर्जी चलती है, हाँ बोला तो आज ही हो जाएगा खत्म, लेकिन आपको लग रहा है नहीं आज नहीं, तो बच्चा आज तो बस हमने ऐवे डिस्कस किया, तो ये बोर्ड मीटिंग कहलाएगी नहीं, मेन बोर्ड मीटिंग वही एक हफ्ते बाद वाली होगी जिसमें डिस्कस हुआ, क्लियर है? चुप ना लाइक, एडिशनल डिस्क्लोजर वापस आएंगे। बच्चा मैक्सिमम नंबर, अब हमने 10% बोला, 10% में कितना कैलकुलेट करेंगे ना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स की हमें बाय बाय करने की प्लानिंग हो रही है, मेथड क्या है, कितने मेथड्स हैं, पहला एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर टेंडर ऑफर, दूसरा ओपन मार्केट, तीसरा, तो कंपनी किस मेथड से जाना चाह रही है ये भी बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा, एग्रीगेट शेयर होल्डिंग किसका भैया, किसका, क्या प्रमोटर की शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, तो हम देखना चाहते। बच्चा प्रमोटर जरूरी नहीं है इंसान हो, प्रमोटर जरूरी नहीं है इंसान हो, प्रमोटर एक इंसान भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है, हमें एग्रीगेट चाहिए, हमें शेयर होल्डिंग पता होनी चाहिए किसकी, प्रमोटर की, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द प्रमोटर, एंड अगर वो डायरेक्टर तो मतलब वो क्या बच्चा, इंसान होगा, डायरेक्टर बनने के लिए इंसान होना जरूरी है ना, ठीक है, प्रमोटर डायरेक्टर एक ही है, तो हम जानना चाहते हैं इस प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है, हु आर द कंट्रोल अना इन द कंपनी और द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में ये बात सब लोगों के सामने रखी जाएगी, ये प्रमोटर है, इस प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अभी इतनी है, बाय बाय करने का इफेक्ट भी बता देना, क्योंकि शेयर होल्डर ये सारी चीजें देखेगा ना कि सारी पावर तो शेयर होल्डर के से पास से जाकर किसके पास जा रही है, प्रमोटर के पास, तो बच्चा जब वोटिंग होगी तो वो सोच समझ कर वोट करेगा। नेक्स्ट लिखा है एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स, बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये नजरअंदाज हो जाता है ये टॉपिक है ना, आपकी मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि भैया सारी चीजें बराबर है, अभी मैं सारे चिल्लर पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस चिल्लर पॉइंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाओ, हम बाय बैक करने जा रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में मैंने बताया, व्हाट डू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर की खबर किसी ने लीक कर दी, बच्चा बाय बैक होने वाला है ये अंदर ही अंदर सबको पहले से पता रहता है, क्या बात समझ भाई, सारे लोग को मालूम है ना, अब एक साल का टाइम लगेगा ना इसमें, पता नहीं कब बोर्ड मीटिंग कब जनरल मीटिंग होगी, है ना, अंदर अंदर सबको बात पता रहती है। एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज और सोल्ड बाय अ पर्सन, किसी पर्सन ने बच्चा पिछले 6 महीने इंक्लूडिंग द पर्सन मेंशन इन ये, ए में कौन है, ए में कौन है, प्रमोटर, ए में कौन है, प्रमोटर, इन्होंने कहा हम प्रमोटर की भी बात करें, कोई भी बंदा पिछले 6 महीने में, चाहे वो प्रमोटर ही क्यों ना हो, ठीक है,
प्रिसीडिंग कहां से बच्चा, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एट विच बायबैक वॉज टू बी अप्रूव. बोर्ड मीटिंग हुई थी जिस दिन बायबैक का प्रपोजल को लेकर सब लोगों ने अप्रूवल दे दी थी, बीआर पास हो गया था. ठीक है, वहां से कितने महीने, छह महीने. इन छह महीने में हम देखेंगे कितने शेयर्स बच्चा नोटिस है ना, जनरल मीटिंग का जो भी बोर्ड मीटिंग हुई थी उस बोर्ड मीटिंग में दो बातें डिस्कस हुई, अप्रूवल दे दिया और साथ में जनरल मीटिंग कब होगा ये डिस्कस हुआ. उस बोर्ड मीटिंग से पिछले छह महीने में हम ये देखेंगे कि कितने शेयर्स खरीदे बेचे गए. क्या लिखा है, एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स परचेज और सोल्ड, परचेज और सोल्ड. जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई आज की डेट बताओ क्या है, 30 है. तो एक काम करते हैं है ना, उसको 1 सितंबर ही मान लेते. ठीक है, पिछले छह महीने बैक जाओ, अगस्त जाएंगे चले गए, सितंबर में चले गए, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया और मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च. ठीक है, मतलब मार्च से लेके अगस्त तक में जितने भी लोगों ने क्या खरीदा या फिर बेचा है हमारी कंपनी के शेयर, जो कंपनी क्या करने वाली है, बाय बाय करने वाली. पिछले छह महीने का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे कि भैया कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं, और साथ में सी पॉइंट इससे कनेक्टेड है, और साथ में देखेंगे उसकी मैक्सिमम मिनिमम प्राइस क्या थी, वो परचेज और सेल जो ये बी पॉइंट में बताया, बी पॉइंट यही वाला. ठीक है, मेड अलोंग विद रिलेवेंट. इन शॉर्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, हम पढ़ रहे हैं एडिशनल डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं ना वापस. ये एडिशनल डिस्क्लोजर बोलता है भैया, कंपनीज एक्ट बोलता है ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी आपको, बोर्ड मीटिंग का भी देनी पड़ेगी, मैक्सिमम प्राइस क्या, बाय बैक करो कितने नंबर शेयर, सारी चीजें देनी पड़ेगी. प्लस साथ में आपको क्या बताना पड़ेगा कि शेयर होल्डर प्रमोटर की कितनी जा रही है शेयर होल्डिंग, प्लस पिछले छह महीने में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है आपके इसमें, कितने प्राइस में कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं, और प्लस कितने प्राइस में, ये भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. इससे आपको ये पता चलेगा कि भैया जैसे ही अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में इफेक्ट होता है, और हमें पता चलेगा कि आपकी कंपनी की कुबत कितनी है. क्योंकि बच्चा अभी तक हम आपकी कंपनी को क्या ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे, एकदम से आपने क्या बोला, बायबैक करने वाली बात बोली, बायबैक करने वाली बात से पिछले छह महीने में, लेकिन ये बात अभी लीक नहीं हुई है, यहाँ पर है, डायरेक्टर के पास है, पिछले छह महीने के हम ट्रांजेक्शन देखेंगे. क्लियर बच्चा ये अभी बस डिस्क्लोजर देना है. ये बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है, सबसे पहले तो ये समझो, ये बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है. बोर्ड मीटिंग में बस ये डिस्कस नहीं होता है, कि भैया बायबैक करना है कि नहीं करना. मान लो बायबैक करने वाली बात डिस्कस होती है 15% की, तो इसी बोर्ड मीटिंग में दूसरी बात भी तो डिस्कस कर लेंगे, जनरल मीटिंग कब होगी, क्योंकि 15% में क्या बोर्ड मीटिंग से बस काम चलेगा क्या, नहीं, तो जनरल मीटिंग भी करवानी पड़ेगी. इन्होंने कहा है कि डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एट विच बायबैक वॉज अप्रूव्ड है ना, टिल क्या लिखा है, टिल द डेट ऑफ नोटिस कन्वेइंग. हम क्या कर रहे हैं बच्चा, जनरल मीटिंग का नोटिस जो दे रहे, ये पूरा डेट उन्हें एक साथ ले लिया. इन शॉर्ट कुछ नहीं, डेट लेंगे, किसकी डेट ले लेंगे, बोर्ड मीटिंग की डेट लेंगे. यहां से पूरे छह महीने हम जाएंगे. क्लियर बच्चा, प्रीसीडिंग लिखा है, क्या लिखा है बच्चा, प्रीसीडिंग डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, उससे छह महीने का पूरा रिकॉर्ड हम देंगे. किसको देंगे बच्चा, मेंबर्स को दे रहे ना सारी इन्फॉर्मेशन, कि भैया ये सारी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इन हाँ बच्चा कुछ पूछ रहे, हाँ ये सब बताना पड़ेगा बच्चा. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले रिकॉर्ड में देनी है, सबसे पहले तो आप मेंबर्स को दोगे, लेकिन मेंबर को जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही है सेबी स्टॉक एक्सचेंज को तो देना पड़ता ही, क्योंकि वो क्या करेगा, चेक करेगा जो भी बोल रहे हो सब सही है कि नहीं. क्लियर है, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्योंकि सबसे पहले अगर आप 9% कर रहे हो बोर्ड मीटिंग होगी, अगर आप 20% कर रहे हो बोर्ड मीटिंग होगी, दोनों केस में बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग से ही पीछे छह महीने जाएंगे. क्लियर है बच्चा, कौन सा वाला पंखा बंद करना है. चलो वापस नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चा, किसका इंटेंशन बता दो, प्रमोटर. नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं, अगर बोर्ड की है तो फिर मेंबर्स को बताने की तो जरूरत नहीं, रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना है, जब स्टॉक एक्सचेंज मांगेगा सेबी मांगेगा तो देना है, तो फिर मेंबर्स को बताने की जरूरत नहीं है. नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना बच्चा. अब रुक जाओ, बताना और एक पूछना, ये दो वर्ड होते हैं, बताओ ये दो वर्ड होते, एक होता है बताना और एक होता है पूछना,
10% में बताना तो पड़ेगा ना, पूछ थोड़े रहे, ऐसा थोड़ा ना पास करवा रहे। चलो मम्मा को बोल रहे मम्मा पार्टी है हम जा रहे, या फिर मम्मी हम चले जाएं, क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? हम जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इन्फॉर्म इन्फॉर्मेशन दे रहे। तो मेंबर्स को हमेशा इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, लेकिन जनरल मीटिंग करके बताना पड़ेगा क्या, पूछना पड़ेगा क्या 10% के लिए? बस बता दो, पूछने की जरूरत नहीं है, क्या बात समझ भाई? लेकिन अगर 20% है तो पूछना पड़ेगा, उनके वोट्स करवाने पड़ेंगे, कर लें क्या? क्या बात समझ में आई? तो इन्होंने कहा भैया बोर्ड मीटिंग से पिछले 6 महीने में कितना कुछ हो रहा है, रिकॉर्ड दे दो। ये रिकॉर्ड तो हमेशा बताना तो पड़ता है, मेंबर्स को सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, बस मेंबर देखता नहीं है। मेंबर तभी देखता है जब उससे परमिशन लेने आते हैं, कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं होता, क्योंकि बस बताया जा रहा है। मम्मी को जब बोल दिया कि हम जा रहे, तो मम्मी की मजा लेकर रोक लेगी तुम लोगों को, है ना? तो तुम लोगों ने अपनी मम्मा को गलत समझा है, तुम लोग को लगा कि तुमने बताया है, तुम्हें परमिशन ही लेनी थी ना लायको। चलो वापस आओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बच्चा? इंटेंशन बता दो, किसका? प्रमोटर का पूरा इंटेंशन बताओ, जिसके भी कंट्रोल में पूरी कंपनी है, ठीक है? ज्यादा डिटेल में मत जाओ, वापस आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चा? कंफर्मेशन, किस चीज का कंफर्मेशन? ये कंफर्मेशन कौन देगा? ऑब्वियसली डायरेक्टर्स, ठीक है? अब डायरेक्टर्स को कौन इतना कॉन्फिडेंस देगा? सीएस चेक करके बताएगा ना, क्या चेक करके बताएगा? हाँ, लोन का डिफॉल्ट नहीं है, रिडम्पशन का नहीं है, 3 साल हो चुके अगर डिफॉल्ट हुआ था तो। बच्चा डायरेक्टर साफ साफ बोल देगा हाँ कोई डिफॉल्ट नहीं है, हम बाय बैक करने के लिए एलिजिबल है। साथ में कंफर्मेशन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, भैया हमने फुल इंक्वायरी कर ली है। किस चीज की इंक्वायरी कर ली है? 3 चीजें। पहला, हमारी कंपनी की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम अनएबल टू पे डेट्स है, मतलब हम क्या बच्चा? सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट होता है, एक इनसॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब क्या? पैसे हैं, मतलब हम बिल्कुल पैसे से भरपूर है, तभी तो बाय बैक करने आ रहे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर आप के पास पैसे हैं तो वो जो डिफॉल्ट उनको ठीक करो ना, हम बाय बैक करने नहीं दे रहे आपको, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि हाँ हम बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि डेट नहीं पे कर पाएंगे। इस चीज का कंफर्मेशन कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये तो पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन क्या बोल रहा है? कंपनी बिल्कुल एबल है टू मीट, ठीक? इसको ऑपोजिट नहीं बोला बच्चा, लेकिन बस एक लिमिट के साथ बोला। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? हम डेट पे कर सकते हैं। दूसरा, हम आने वाले कितने 1 साल तक इंसॉल्वेंट की सिचुएशन में नहीं आएंगे, मतलब हम 1 साल तक तो सॉल्वेंट है, मतलब हम बाय बाय करने के लिए एलिजिबल है। वो बार बार इस चीज का बस प्रूफ दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है? नो ग्राउंड्स, ऐसे कोई ग्राउंड्स, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम पे नहीं कर पाएंगे, मतलब हम कर सकते। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि 1 साल तक, 1 साल तक कौन सी सिचुएशन नहीं आएगी बच्चा? इंसॉल्वेंट की, मतलब हम 1 साल तक लाइबिलिटी पे कर सकते। पहला उन्होंने बोला कि हम पे कर सकते हैं, दूसरा उसने बोला हम 1 साल तक पे कर सकते। क्लियर है बच्चा? दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? तीसरा, कंपनी पहले तो हमने बोला कि हम सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट 1 साल तक सिचुएशन नहीं आएगी। तीसरी बात में उसने बोला कि इनकेस अगर वाइंडिंग अप की लाइबिलिटी वाइंड अप होता है तो डायरेक्टर उनके लिए लाइबल हो जाएंगे। इफ दी कंपनी वर वाइंड अप, अगर कंपनी वाइंड अप में जाती है, कंपनी वाइंड अप में जाती है तो कंपनी उसके लिए खुद, उसके डायरेक्टर खुद उसके लिए लाइबल हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि हम बार बार क्या बोल रहे कि भैया हम पैसे से भरपूर है, सरप्लस पैसा था, हम बाय बैक करने जा रहे हैं, तो प्लीज बाय बैक करने से पहले ये कसमें वादे खा लीजिए, शपथ ले लो कि हम डेट पे कर सकते हैं। पहला, दूसरा ये कब तक पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट की सिचुएशन 1 साल तक। तीसरा, वाइंडिंग अप की सिचुएशन तो ऐसे नहीं आएगी, इनके साथ ही है तो डायरेक्टर इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। क्लियर है बच्चा? डायरेक्टर ये 3 बातें कंफर्म कर देगा। लेकिन डायरेक्टर तो हमेशा झूठ बोल सकता है, इन्होंने कहा इसके पीछे लगा दो किसको? ऑडिटर को। इसके पीछे किसको लगा दो? ऑडिटर को। डायरेक्टर ने ये 3 बातें बोली ना, ये 3 बातें सेम ऑडिटर भी बोल दे, ताकि भैया डायरेक्टर तो जाए जाए, साथ में ऑडिटर भी फंसे, ऑडिटर की डिग्री लग जाएगी, है ना, उसके दाव में कि भैया अब ये झूठ बोल रहे, तो उसने भी साथ में झूठ बोल दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट सेम, कंपनी का जो ऑडिटर होगा, कंपनी का ऑडिटर को उसे भी यही सेम बातें करनी है जो डायरेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है? हम मान के चल रहे डायरेक्टर सही बोल रहा है, तो ऑडिटर भी बजिया स्टैंप मार के दे दे कि हाँ एकदम सही बोल रहा है। पहला, कंपनी की पूरी इंक्वायरी कर ली ऑडिटर ने, इंक्वायरी कर ली है पूरा, है ना, कंपनी स्टेट ऑफ अफेयर देख लिया, अमाउंट ऑफ द परमिसेबल कैपिटल पेमेंट इसने पूरा का पूरा देख लिया कि भैया कितना पैसा लगने वाला है सिक्योरिटी में, बायबैक में, सारी चीजें, प्रॉपर्टी सब उसने कैलकुलेट कर लिया, सारी चीजें अच्छे से। और फाइनली बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज
नॉट रेंडर इंस्टॉलमेंट विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट। ऑडिटर ये भी लिख कर देगा, ऑडिटर क्या क्या लिख के दे रहा है, पहले पॉइंट में क्या लिख के दे रहा है, उसने फुल इंक्वायरी कर ली है, सब ठीक ठाक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पूरी कैलकुलेशन अमाउंट अमाउंट की मैंने सब कर ली है, तीसरी बात क्या कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो ये वाली बात बोली है कि हम 1 साल तक इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, वो मेरे हिसाब से भी क्या है बच्चा एकदम सही है। जब ये सारे के सारे लेटर आ जाएंगे डायरेक्टर की तरफ से ऑडिटर की तरफ से, तब हम आपको बायबैक करने देंगे, अदरवाइज हम आपको करने नहीं देंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चा ऑडिटर भी फंस जाएगा अगर वो झूठ बोल रहा है तो, इसलिए ऑडिटर सही बोले, डायरेक्टर को भी सही तरीके से गाइड करे, अदरवाइज बायबैक मत करो। ठीक, क्लियर है बच्चा? ये सब यहां से स्टार्ट किया था फटाफट। सबसे पहले क्या पढ़ा, अगर आप नोटिस करोगे तो हम अभी तक डिस्क्लोजर ही दे रहे कि हम बिल्कुल सही है, बायबैक करने के लिए एलिजिबल है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या बोलता है, नोटिस के साथ भेजो और ये सारी इन्फॉर्मेशन। कंपनीज एक्ट बोलता है भैया रुको, शेड्यूल 1 है, एक लिस्ट है, उसमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। इन सारी चीजों में आपको पूरी डिटेलिंग बतानी पड़ेगी। इवन डायरेक्टर तक क्या देगा बच्चा, अपना डिक्लेरेशन, अपना कंफर्मेशन देगा। लेकिन बस डायरेक्टर के कंफर्मेशन से काम नहीं चलने वाला, कंपनी के ऑडिटर को भी करना पड़ेगा। क्लैरिटी है बच्चा? पक्का? ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक बताओ आपने अपनी बुक में फटाफट बच्चा। अब आपके जो ये तीन मेथड्स हैं, कितनी मेथड्स थी बायबैक करने के, तीन तरीके। पहला तरीका बताओ क्या था बच्चा, एग्जिस्टिंग, फिर क्या था ओपन मार्केट, देन इस चैप्टर में अब इन तीनों की बस प्रोसेस पढ़नी है, दैट्स इट। इस चैप्टर में क्या पढ़नी बच्चा, इन तीनों की प्रोसेस, एक ही प्रोसेस अच्छे से पढ़नी है, बाकी सब क्या है, रिपीट है, थोड़े बहुत चेंजेस है, थोड़े बहुत चेंजेस है। मतलब अगर आपने एक प्रोसेस अच्छे से पढ़ ली, समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, मतलब तीनों की प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। एग्जिस्टिंग टेंडर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, टेंडर वाला फॉर्म था, ऑफर था, वो सबसे पहले पढ़ा था, वो सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने बायबैक की प्रोसेस बोल रखी है शॉर्ट में, लेकिन इतना शॉर्ट बोल रखा है कि तुम्हें तो वैसे भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। आपको पहले डिटेलिंग समझनी पड़ेगी, तब शॉर्ट में आएंगे। आपकी बुक में बच्चा, आपकी बुक में सीधा दे रखा है बायबैक थ्रू, क्या लिखा है, टेंडर ऑफ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके मॉड्यूल में जो 4 पेजेस दे रखे बच्चा, इसकी पूरी की पूरी, इन 4 पेजेस में, आने वाले 4 पेजेस में क्या दे रखी है, पूरी की पूरी प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस को मॉड्यूल में जाने से पहले मैं एकदम शॉर्ट में सीक्वेंस वाइज पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, तब जाकर मॉड्यूल में हम जाएंगे। तो बच्चा शॉर्ट में मुझे आपको बताना है, जिसके लिए प्रॉपर थोड़े बहुत साथ में 1 by 1 नोट्स भी बनाना। मैं आपको दो पेज का एक शॉर्ट नोट दूंगी, जो फ्लो चार्ट फॉर्म होगा, ये वाला, ये आपको मैं प्रोवाइड करूंगी बच्चा, ठीक है। आपको अपनी मॉड्यूल में स्टिक करना है, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारी बातें दे रखी हैं, लेकिन पहले शॉर्ट में दिमाग में अगर फिट हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, तो ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को समझ पाओगे, क्योंकि मॉड्यूल में सिक्वेंस नहीं दे रखा है। बस वो जब बताना चालू करते तो खो जाते हैं, बताते ही चले जाते, भूल जाते कि वो एक प्रोसेस बता रहे, ठीक है। तो पहले एक प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये चालू करूंगी। क्लियर बच्चा? चलो 5 मिनट का ब्रेक बस। हाँ बच्चा।